नगर पालिका ने भिलाई क्षेत्र के बैकुंठ धाम अंबेडकर भवन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें इस बार का थीम स्वच्छ मन स्वच्छ शहर पर आधारित था। इसमें निकाय स्तर पर स्वच्छता दीदियों, स्वच्छता कमांडो एवं समस्त सफाई कर्मचारियों को शामिल किया गया। बैकुंठ धाम भिलाई में स्थित अंबेडकर भवन में सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें आर्ट ऑफ लिविंग संस्था से अंतर्राष्ट्रीय योग शिक्षक लिंका बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित धीरा शर्मा अपनी टीम के साथ बारू से आए, आकर योग के विभिन्न बारीकियों को समझाते हुए योग सिखाया। प्रमुख रूप से ताड़ासन, नटराज आसन, भुजंग आसन, धनु आसन, अर्ध सलभ आसन, पूर्ण सलभ आसन, पद्मासन, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रमणी प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि आसनों के बाद ध्यान करवाए। साथ ही जगत कल्याण के लिए प्रार्थना भी यहां पर की गई। इस कार्यक्रम में वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन एवं नगर पालिका निगम भिलाई कमिश्नर देवेश कुमार ध्रुव के साथ सभी जोन कमिश्नर एक साथ योग करते नजर आए। इस पर रिकेश सेन ने योग करने के बाद कहा कि शरीर और मन तरोताजा हो गया, मैं एकदम फ्रेश महसूस कर रहा हूँ। जब हम योग नियमित करेंगे तो अवश्य निरोग रहेंगे। ये हमारे ऋषि मुनियों की धरोहर है, जिसमें सभी प्रकार के रोगों का निदान शामिल है, इसलिए हमें योग हमेशा करते रहना चाहिए। साथ ही कार्यक्रम में शामिल ब्रह्म कुमारी, आशा दीदी एवं अन्य लोगों ने भी कार्यक्रम की सराहना दिल से करते हुए बताया कि योग को जरूरी समझें। निश्चित रूप से भारत ने जो जहाँ पे योग की परिभाषा क्या है और शरीर कैसे स्वस्थ रहता है, इसकी शुरुआत भारत से हुई योग, और नरेंद्र मोदी जी ने इसे विश्व पटल पे रखा और पूरे विश्व में अब योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और योग की आवश्यक है ये सबको पता है। जिस प्रकार से हम दिन भर अपने शरीर की एक्टिविटी करते हैं, उसके लिए 1 घंटा अपने शरीर को देना बड़ा आवश्यक है, और इसलिए सभी लोग जो हैं योग के प्रति दिनों दिन जो है उनकी वो आकर्षित भी हो रहे हैं, और जो यूथ है वो लगातार इससे जुड़ते चले जा रहे हैं। जिम के साथ साथ लोग योग में भी अपना समय व्यतीत कर रहे हैं और दिन भर स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं, उसके बाद अपनी दिनचर्या जो है हंसी खुशी के साथ जो है व्यतीत करते हैं। हम लोग जैसे राजनीति में हैं, नगर निगम के अधिकारी हैं, व्यापार करने वाले लोग हैं, नौकरी पेशा वाले लोग हैं, वो सभी लोग दिन भर बहुत सारे स्ट्रेस में रहते हैं, लेकिन सुबह अगर योग आप करते हैं तो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है, और ये करना चाहिए। सिर्फ एक दिन 21 जून को ही योग हो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये लगातार होना चाहिए, और आप एक गंभीर बीमारी से भी बचते हैं, क्योंकि एक आपकी कमाई का आधा हिस्सा आपके बीमार व्यक्ति के इसमें चला जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रतिषाद होगा और पूरे विश्व में इसकी क्रांति होगी। योग क्रांति के रूप में धीरे धीरे व्यवस्थित होते जा रहा है। मैं सभी को योग दिवस की बधाई देता हूँ, नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ क्योंकि उन्होंने विश्व पटल पे विश्व योग दिवस की शुरुआत की है, और मैं हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, हमारे नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव जी, उप मुख्यमंत्री और प्रभारी दुर्ग के विजय शर्मा जी, सभी को साधुवाद देता हूँ कि अभी की सरकार जो विष्णुदेव साय की जो सरकार है उसमें ये तय किया गया है कि योग को और कैसे आगे हम जन जन तक पहुँचाए, उसकी रणनीति जो है विष्णुदेव सरकार बना रही है। अब क्लासों में भी, क्लासेस में भी, अपने स्कूलों में भी इसकी शुरुआत हो चुकी है। एक पीरियड जो है योग का भी रहेगा, तो ये बड़े साधुवाद वाला विषय है। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में सभी योग से जुड़ेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, 10वां जो हम मना रहे हैं, और मुझे बहुत ही खुशी है। इस बार तो गवर्नमेंट ने थीम भी दी थी वुमेन स्पेशल वेलनेस, है ना। तो ज़रूरी है कि हम एक तालमेल बना के चले जीवन में। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फीमेल्स हो, मेल्स हो, बच्चे हो, स्कूल के यूथ हो, या ऑफिस में काम करने वाले हो, या श्रम करने वाले श्रमिक क्यों ना हो, उनको एक चाहिए कि श्रम तो वो करें ही करें, प्लस उनकी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और योग एक बहुत अच्छा माध्यम है इसको हमें पाने के लिए। योग जो हमारे जीवन का सबसे मुख्य अंग है, और हम लोगों ने इससे अपने आप को दूर कर लिया था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की पहल से आज ये योग विश्वविख्यात हो गया है, और हमें अपने जीवन का इसको अंग बनाना है, क्योंकि अगर जीवन में योग नहीं तो ना हमारे तन का सहयोग है, ना हमारे स्वास्थ्य का सहयोग है, और न किसी प्रकार का सहयोग है।
अगर हमारा योग परमात्मा के साथ है और हम उस परमात्मा की स्मृति से ये कार्य करते हैं तो हमारा तन भी स्वस्थ रहेगा और मन भी स्वस्थ रहेगा। तो जैसे तन को स्वस्थ रखना आवश्यक है, ऐसे राजयोग के द्वारा मन को भी स्वस्थ रखना आवश्यक है। इस प्रकार तन और मन स्वस्थ रहे योग के द्वारा तो हमारा जीवन जो है वो श्रेष्ठ बनेगा और निश्चित इस योग के द्वारा हमारा भारत जो है विश्व गुरु बनेगा, यही हमारी शुभकामनाएं है। मेरा मानना है कि योग के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा है, क्योंकि हर बच्चा अपने बचपन से एक योगी होता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं भौतिकवाद की दुनिया में दौड़ भाग में अपने बाल मन से दूर हो जाते हैं। तो हर व्यक्ति को योग करना चाहिए। योग से उसका शरीर स्वस्थ होता है, मन शांत होता है, ये तो हम सब जानते ही हैं। पर बिना योग के जीवन अधूरा है, क्योंकि योग इज़ द हारमोनी ऑफ द बॉडी एंड ब्रीथ एंड सोल। तो बिना योग के आप एक संतुलित जीवन नहीं जी सकते। अगर आप जीवन में चाहते संतुलित हो जीवन और आपका लोगों से व्यवहारिक जीवन में सामंजस्य हो, तो योग सबसे जरूरी है। बहुत अच्छा लगा भिलाई वालों से मिलके और उनके साथ योगा का अभ्यास करके, बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम के साथ ही उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव कोरबा से लाइव रहे, जिसमें उनके द्वारा स्वच्छता दीदी, स्वच्छता कमांडो, स्वच्छता कर्मचारी एवं आम नागरिकों के लिए संदेश लाइव प्रसारण किया गया। Swatch your right hand left side and turn your left side. Four, one. पीछे देखिए, देखिए पीछे दीवार दिख रही सबको? Yes no? क्या कलर दीवार का? हाँ? कुछ ब्लैक दिख रहा है। कार्यक्रम के दौरान प्रमुख रूप से प्रजापिता ब्रह्म कुमारी से आशा दीदी, आर्ट ऑफ लिविंग संस्था से भक्ति दिनेश के साथ सदस्यगण, जोन अध्यक्ष, पार्षदगण, जनप्रतिनिधि, विभिन्न मंडलों के अध्यक्ष, कार्यकर्ता, समाजसेवी, NDRF का दल, सेना एवं पुलिस फोर्स हेतु प्रशिक्षक मुकेश चौहान, अपने सदस्यों के साथ क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बॉक्सिंग के खिलाड़ी, नगर निगम भिलाई के आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव, जोन आयुक्त येशा लहरे, स्वच्छता दीदी, स्वच्छता कमांडो, स्वच्छता कर्मचारी, सरियाजी कमीशन के शहरी आजीविका मिशन के मैनेजर, CEO के साथ निगम के अधिकारी कर्मचारी यहां पर शामिल रहे। ACN News के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट।